कैसे हो बेटा? बेटा आज का जो टॉपिक है ईएमआई का लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बेटा एलसी ऑसिलेशन। हेडिंग लिखो एलसी ऑसिलेशन। बेटा बेसिकली इसमें एक कैपेसिटर होगा, ठीक है, और एक इंडक्टर होगा बेटा। किसी भी टाइम बेटा, एक टाइम एट टी इक्वल टू जीरो पर ये पॉजिटिव प्लेट बेटा, ये नेगेटिव प्लेट, ये स्विच है एस। हमने क्या किया बेटा, एट टी इक्वल टू जीरो एस को बेटा क्लोज कर दिया, ठीक है। कैपेसिटेंस सी बेटा, इंडक्टर है एल। देखो सर्किट क्या बनेगा बेटा, सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा फिर हमारा। क्लियर हुआ? ये कैपेसिटर होगा बेटा। मान लेते हैं बेटा एट टाइम टी इसमें करंट हो चुका है आई, और इसका चार्ज क्यू नॉट से चेंज होके क्यू हो चुका है। आ गई बात बेटा। अब देखो सर्किट में घूमो बेटा, देखो आप यहां से चलते हो, यहां जाते हो, माइनस से प्लस की तरफ गए हो तो बढ़ेंगे प्लस क्यू बाई सी। आ गई बात बेटा। देखो आप इस साइड गए हो तो माइनस का करंट के डायरेक्शन में एल डी आई बाई डी टी इजकल टू बेटा जीरो, क्योंकि लूप कंप्लीट हो गया। अब देखो बेटा क्या यहां से आप लिख सकते हो डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी इजकल टू क्यू डिवाइडेड बाई एल सी लिख सकते हो बेटा। अब इधर देखो आई इजकल टू कितना होता है बेटा, डी क्यू बाई डी टी होता है, ये तो पढ़ा ही है हमने। लेकिन एक चीज देखो बेटा, यहां से चार्ज फ्लो कर रहा है, इसमें चार्ज घटेगा कि बढ़ेगा? घट रहा होगा, तो डी क्यू बाई डी टी क्या आएगा, निगेटिव। और यहां निगेटिव या लगा लो बेटा, या तो फिर यहां निगेटिव लगा लो, जिससे साइन दोनों साइड के आ जाए, सेम आ जाए। आ गई बात? तो यहां से बेटा अगर हम रखें इसको तो डी क्यू बाई डी टी माइनस ये लिखा जा सकता है बेटा कि नहीं, Q डिवाइडेड बाई एल सी। देखो कितना जाएगा, चार्ज का सेकेंड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, ये आ जाएगा बेटा कि नहीं। अब इसको बेटा हम कंपेयर करते हैं किससे। इधर देखो कभी कुछ ऐसा याद आया, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इजकल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। बेटा ये SHM का जनरल इक्वेशन होता था, इसमें पोजीशन जो है टाइम के साथ ऑसिलेट करता था, याद है, मीन, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर से मीन, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर से मीन, ये कहानी चलती थी बेटा कि नहीं। यहां पर देखो क्या हो रहा है बेटा, सब कुछ सेम है लेकिन किसका ऑसिलेशन चल रहा है बेटा? क्या ये हुआ SHM ऑफ चार्ज? क्लियर बेटा? तो इसको जब सॉल्व किया था तो क्या इक्वेशन आता था बेटा, एक्स इजकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, याद है बेटा? तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, क्यू इजकल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ओमेगा स्क्वायर है 1/LC, तो ओमेगा की वैल्यू 1/√LC होगा बेटा कि नहीं होगा? क्लियर है? आ गई बात? क्लियर बेटा? अब देखो सारी चीजें बेटा रिकॉल करो SHM वाली। फाई क्या था, इनिशियल फेज, फाई क्या था बेटा, इनिशियल फेज। ये डिपेंड करता बेटा कहां से SHM स्टार्ट हुआ है, किस डायरेक्शन में मोशन है, सारी बातें क्लियर है कि नहीं है? याद आ गया बेटा, याद आ गया कि नहीं याद आ गया? जैसे हम करते थे फाइ की वैल्यू निकालते थे बेटा, मेन पोजीशन पर है, निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, फेजर याद आया कुछ, ए बाई टू पर है, मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है, फाइ की वैल्यू बेटा हम निकालते थे। ऐसे यहां भी बेटा हम निकाल सकते हैं। छाप लो सब कुछ, सब छाप लो बेटा सब कुछ। इधर देखो बेटा इस पर्टिकुलर केस में एट टी इक्वल टू जीरो चार्ज कितना था बेटा, इस पे क्यू नॉट था कि नहीं, लिख लो बेटा। फॉर दिस पर्टिकुलर केस, फॉर दिस पर्टिकुलर केस एट
टी इक्वल टू जीरो, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट, देन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू वन. बेटा पुट करो देखो, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ये आ जाएगा बेटा वन, तो ओमेगा टी बेटा ये आ जाएगा जीरो, बताइए आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू कितना बेटा पाई बाई टू. कब की बात बेटा, टी इक्वल टू जीरो तो फाइव इक्वल टू कितना बेटा पाई बाई टू. तो इस पर्टिकुलर केस में क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी. बेटा फॉर दिस पर्टिकुलर केस है, फॉर दिस पर्टिकुलर केस है बेटा ये. आ गई बात बेटा कि नहीं आई, क्लियर है. हर केस वाइज बेटा ये अलग अलग कहानी चलेगा, हर केस वाइज ये अलग अलग कहानी चलेगा. छाप लिया, पक्की बात बेटा. आगे देखो, आई आई इक्वल टू कितना लिखा बेटा हमने, माइनस डी क्यू बाई डी टी. तो माइनस ये रहा बेटा डी क्यू, कितना आ जाएगा यह आ जाएगा क्यू नॉट ओमेगा आएगा बेटा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. बेटा इसको क्या मैं लिख सकता हूं, क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या ऐसे लिख लो बेटा साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव. अरे साइन 90 माइनस थीटा कितना बेटा कॉस थीटा. इस माइनस को अंदर लेके जाओगे आएगा क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई बाई टू. क्लियर बेटा, क्या ये करंट आ गया बेटा कि नहीं आ गया. अब देखो ध्यान से बेटा, चार्ज ये था करंट ये है. तो भैया एक पॉइंट बिल्कुल क्लियरली कंक्लूड कर सकते हो, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन बिटवीन आई एंड क्यू एज पाई बाई टू, आई एंड क्यू इज पाई बाई टू. क्लियर बेटा, देखो फॉर दिस पर्टिकुलर केस, फॉर दिस पर्टिकुलर केस फाई की वैल्यू कितना बेटा, क्या फाई की वैल्यू जीरो थी कि पाई बाई टू थी बेटा, पाई बाई टू सॉल्व हो गया आई थी. तो क्या आई की वैल्यू आ गई क्यू नॉट ओमेगा साइन पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू मर जाएगा बेटा साइन ओमेगा टी. और इसी को बेटा हम क्या बोलेंगे, आई नॉट बोल देंगे. क्लियर है, क्लियर है बेटा. आगे देखो, आगे देखो बेटा, देखो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू था बेटा माइनस का ओमेगा स्क्वायर क्यू, माइनस का ओमेगा स्क्वायर क्यू की बेटा वैल्यू क्यू नॉट, क्यू नॉट देखो बेटा यही था, यहां था आपका साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही था बेटा कि नहीं है. क्लियर है, आगे बात बोलो. इसमें बेटा अगर हम लिखें तो माइनस देखो साइन का जस्ट उल्टा है बेटा कि नहीं है. तो इसका मतलब बेटा देखो ध्यान से, इसको साइन के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, कॉस के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो. क्लियर है बेटा, ये साइन का क्या बेटा जस्ट उल्टा है. तो ध्यान से सुनो, माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट, इधर देखो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस पाई बाई टू, परेशान मत हो, सॉरी पाई बेटा. साइन पाई प्लस थीटा कितना होता था, माइनस का साइन थीटा बेटा होता था. तो ये माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, तो बेटा यही लिखा है कि नहीं. तो एक चीज और देखो, डी स्क्वायर क्यू डी टी स्क्वायर एंड क्यू, क्यू कितना था बेटा आपका, क्यू था क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही था बेटा. देखो इन दोनों में कितने का फेज डिफरेंस है, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर में फेज डिफरेंस है बेटा, फेज डिफरेंस पाई का. इधर देखो करंट में, करंट में क्लियर बेटा, और इसमें कितने का फेज डिफरेंस है बेटा, थ्री पाई बाई टू बोलो या फिर पाई बाई टू बोलो बेटा, दोनों एक ही बात होता है.
देखो इधर फेजर याद है ना थोड़ा सा, 3π/2 बेटा, π/2, 3π/2 या फिर π/2, एक ही बात होता बेटा कि नहीं, ये बात तुम्हें सिखाई गई थी कि नहीं बेटा। तो डी स्क्वायर क्यू और डी टी स्क्वायर और आई में फिर डिफरेंस बेटा, ये छोटी छोटी बातें पूछी जाएंगी, फिर डिफरेंस π/2, क्लियर है बेटा कि नहीं है, आ गई बात बेटा कि नहीं आई। देखो फिर से सुनो, चार्ज में और करंट में फिर डिफरेंस π/2, क्लियर है बेटा। करंट में और करंट का फिर से डिफरेंशिएशन कितने का बेटा, फिर डिफरेंस π/2 का बेटा। करंट चार्ज में और चार्ज के सेकंड डिफरेंशिएशन में कितने का डिफरेंस बेटा, पाई का। ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं, पक्की बात, छाप लो सब कुछ, छाप लो बेटा सब कुछ। देखो बेटा, ओमेगा की वैल्यू आई है 1/√LC, तो ये होता बेटा 2π/T इजकल टू 1/√LC, तो बेटा T कितना आ गया, क्या T इजकल टू आ गया 2π√LC, क्लियर है, आगे बात बेटा। या फिर 1/T इजकल टू कितना आ गया बेटा, 1/2π√LC, क्या बेटा। यहां से हम बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी होता है, एक चीज और देखो बेटा, ये तो होगा यूनिटलेस, इसका मतलब बेटा एलसी की जो यूनिट आएगी वो टाइम स्क्वायर की आएगी बेटा कि नहीं आएगी, मतलब सेकंड स्क्वायर आएगा बेटा कि नहीं आएगा, बोलो 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 बोलो। तो कई बार बेटा यूनिट डायमेंशन के खेल में इसकी हेल्प ली जा सकती है, आगे बात, छाप लो बेटा इतनी सारी कहानी, छाप लो बेटा इतनी सारी कहानी, लिखा लिखो बेटा। अगला, एनर्जी इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। देखो बेटा, एनर्जी इन द कैपेसिटर कितना, 1/2 q² / C, और इंडक्टर में कितना बेटा, 1/2 li² तो बेटा ये आ गया 1/2 q, कितना बेटा, q₀ sin²ω(t+5)/c, क्लियर बेटा। और ये कितना आ गया था बेटा, इंडक्टर में 1/2 li कितना बेटा, q₀ या i₀² और ये कितना था बेटा, अगर आप देखोगे ध्यान से तो cos²ω(t+5) आ जाएगा, पीछे से देखो बेटा जहां पर मैंने आपको करंट सॉल्व करवाया था, क्लियर है बेटा कि नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट बात लिखो बेटा, देखो इसमें करंट, ठीक है, करंट, चार्ज और d²q/dt², ये तीनों ऑसिलेट कर रहे हैं, ऑसिलेशन कर रहे बेटा, लिख लो, विथ फ्रीक्वेंसी f, एनर्जी इन कैपेसिटर और एनर्जी इन इंडक्टर बेटा ये भी क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशन कर रहे हैं विथ फ्रीक्वेंसी 2f। देखो बेटा वही सारी कहानी, स्क्वायर आ गया कि नहीं, आ गई बात बेटा, क्लियर है, इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। इधर देखो बेटा, अरे ये समझ में आ गया होगा ना, नहीं आई क्या बात बेटा। देखो जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी SHM में लिखते थे, वैसी ही कहानी है, एक पोटेंशियल एक काइनेटिक है। इधर लिखो बेटा, हेडिंग लिखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन LC ऑसिलेशन। तो बेटा मैं लिखूंगा E total = E capacitor + E inductor, आगे बात बेटा, ये आएगा 1/2 q₀ sin²ω(t+5)/c + 1/2
एल बेटा आई की वैल्यू थी क्यू नॉट ओमेगा, याद है कुछ, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। इधर देखो बेटा हाफ एल क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा की जगह एल बाई सी, मर गया बेटा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकता हूं, हाफ क्यू नॉट बाई सी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकता हूं बेटा, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी बेटा कॉमन ले लो, बाकी गायब हो जाएगा। क्या ये आ गया बेटा मैक्सिमम मैक्सिमम एनर्जी एट कैपेसिटर, क्लियर बेटा। इधर देखो यहीं से बेटा Q नॉट की वैल्यू कितनी बेटा, यही लिखा देखो इधर, ये आ जाएगा कितना बेटा I नॉट बाई ओमेगा, पुट करो हाफ I नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर C, क्लियर बेटा। ओमेगा की वैल्यू वन अपॉन एल सी बेटा, C से C मर जाएगा, कितना हाफ L I नॉट का स्क्वायर, इसका मतलब बेटा एनर्जी टोटल एनर्जी कांस्टेंट है कि नहीं है। अब बिल्कुल वैसे ही सोचो आप जैसे SHM में था बेटा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होता था, कांस्टेंट, याद है। लेकिन बेटा दोनों में एक घटता था एक बढ़ता था, एक घटता था एक बढ़ता था, इसका मतलब एक में जो मैक्सिमम होगा तो दूसरे में क्या होगा बेटा मिनिमम होगा। छाप जाओ सारा कुछ, फिर आगे बढ़ते हैं, छाप जाओ बेटा सारा कुछ, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो बेटा, लिखो इसमें, दैट मीन्स एनर्जी इन बोथ कैन नॉट सॉरी दैट मीन्स एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी कैन नॉट एग्जिस्ट इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर एट द सेम टाइम, if one is maximum then another will be minimum। लिखा बेटा आगे लिखो इसी में, that means if q is maximum then i is zero, when I is maximum then Q is zero, clear हुआ बेटा। लिखो heading, लिखो graphical representation of LC oscillation, लिखा बेटा या इसी में लिख लो बेटा, और कंपेरिजन ऑफ LC ऑसिलेशन विथ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। देखो बेटा हमने एक बहुत पर्टिकुलर केस लिया, इस पे चार्ज Q नॉट है, ये इंडक्टर है बेटा, ठीक है, तो इसमें I कितना होगा बेटा, जीरो होगा कि नहीं होगा। तो सुनना ध्यान से बेटा, इसको मैंने बोला कि अगर एक स्प्रिंग है बेटा, ये इसका मेन पोजीशन है और एक ऑब्जेक्ट है बेटा जिसका मास m है, यहां से बेटा हमने रिलीज किया, ठीक है, आगे बात। अब देखो बेटा एट
T/4 पे कहानी क्या बनती है? एट T/4 बेटा देखो, यहां से यहां तक जाने का T/4, फिर यहां से यहां तक आने का T/4, क्लियर बेटा? फिर यहां से यहां तक जाने का निगेटिव एक्सट्रीम पर T/4, और फिर निगेटिव एक्सट्रीम से मीन पर भी जाने का कितना बेटा? T/4। तो इस टाइम पर क्या हुआ होगा बेटा, ये यहां पर आएगा मीन पर, मीन पोजीशन पर आ जाएगा, आएगा, और इसके पास बेटा वेलोसिटी इधर होगी v, क्लियर है बेटा? इसका मतलब अब देखो बेटा, इस मोमेंट पर हुआ क्या होगा T/4 पर, कैपेसिटर वाली जो एनर्जी हो पोटेंशियल एनर्जी जैसे ट्रीट हुआ। देखो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, कैपेसिटर की एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी बेटा जीरो, इंडक्टर वाली एनर्जी जीरो। यहां पर देखो बेटा, यहां पर क्या होगा, काइनेटिक मैक्सिमम मतलब I नॉट, और इस पे कितना चार्ज बेटा जीरो। आगे बार बेटा, अब ये अपने इनर्सिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से करंट बेटा ऐसे फ्लो कराएगा। अब आगे क्या होगा बेटा, ये वाला प्लेट पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, मतलब समझ में आ गई बात। ये होगा बेटा इधर देखो ऐसे कुछ, अगर हम बात करें T/2 पर, T/2 पर बेटा ये कहां पहुंच चुका होगा, T/2 पर होगा बेटा, यहां से T/4 यहां कहीं आ चुका होगा बेटा, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पर, और यहां इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बेटा जीरो, मतलब अब करंट कितना हो जाएगा बेटा जीरो, लेकिन अपने डायरेक्शन को चेंज कर चुका बेटा, तो इधर प्लस और इधर माइनस, और इस पे चार्ज होगा क्यू नॉट, इस पे चार्ज कितना होगा बेटा क्यू नॉट, क्लियर है? आगे बात, अब देखो बेटा फिर से, एट टी इक्वल टू 3T/4 पे कहां जाओगे बेटा, पर कहां जाओगे बेटा, इधर देखो ये यहां से फिर से आ जाएगा अपने मेन पोजीशन पर, क्लियर बेटा? इसके पास बेटा इधर होगी वेलोसिटी v, और ये होगा बेटा इसका मेन पोजीशन होगा, इसका मतलब बेटा इस पे देखो फिर से इस पे चार्ज हो जाएगा कितना बेटा, देखो ये पॉजिटिव था, ये क्या था बेटा पॉजिटिव था कि नहीं था, इस पे बेटा फिर से चार्ज कितना हो जाएगा अब। अच्छा एक चीज देख लो, करंट अपने डायरेक्शन को क्या करेगा बेटा, रिवर्स करेगा, यहां आई नॉट था, इसमें कितना आया होगा बेटा आई जीरो, इसमें आ जाएगा बेटा आई की वैल्यू जीरो, क्योंकि कैपेसिटर ने मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर लिया। अब यहां बेटा ये प्लस था, ये माइनस था बेटा, तो इस साइड करंट जाना शुरू कर चुका होगा बेटा आई, क्लियर है? अब फिर से वही कहानी बेटा, इस पे जीरो, इस पे जीरो, ये करंट आई नॉट, ऑसिलेशन चल रहा है बेटा। बीच में ऐसी कंडीशन भी आई होगी इन दोनों के बीच में कि बेटा इस पे प्लस का कुछ चार्ज रहा होगा, इस पे माइनस का कुछ चार्ज रहा होगा, और करंट भी आई नॉट नहीं रहा होगा। आगे बात बेटा, टी इक्वल टू टी पर बेटा क्या एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया? देखो ध्यान से बेटा, ये जीरो इस पे चार्ज फ्लो कर रहा था, फिर से बढ़ा बढ़ा के इस पे कितना क्यू नॉट, इस पे कितना बेटा क्यू माइनस का नॉट, और ये बेटा फिर से कहां पहुंच चुका होगा, देखो ध्यान से, मेन पोजीशन अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर। ये बेटा इसका कंपैरिजन है किसके साथ, स्प्रिंग के साथ, छाप जाओ सारा कुछ बेटा, क्लियर है? क्लियर है बेटा कि नहीं है? फेज डिफरेंस याद रखोगे, फेज डिफरेंस याद रखोगे बेटा कि नहीं? चलो क्वेश्चन लिखो, इन एलसी सर्किट L = 0.75 हेनरी एंड कैपेसिटेंस L = 0.75 हेनरी कैपेसिटेंस = 18 माइक्रोफेरेट, क्लियर है? लिखो बेटा आगे,
एट द इंस्टेंट व्हेन द करंट इन द इंडक्टर इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 3.4 DI/DT बेटा हमें दिया है, DI/DT 3.4 एम्पियर पर सेकेंड, ये भी डेटा गिवन है बेटा हमें, 3.4 एम्पियर पर सेकेंड। व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्लियर बेटा? आगे लिखो बेटा व्हेन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज, सेकेंड पार्ट है बेटा इसका, व्हेन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 4.2 इंटू 10^-4। बेटा ये तो पार्ट ए था, पार्ट बी क्यू इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10^-4 कूलम है बेटा। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंडक्टर, लिखा बेटा चलो अटेम्प्ट करो बेटा। कर लिया बेटा? अरे बहुत आसान है, परेशान होने वाली बात नहीं है। देखो सर्किट को ध्यान से देखो, सर्किट को बिल्कुल घूरो एक बार अच्छे से, अपने आप आंसर देगा। कैपेसिटर है बेटा एक, और एक इंडक्टर है। एक चीज देखो, एट एनी टाइम, चाहे इसको लिख लो एट एनी टाइम, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा, देख लो ध्यान से। अरे दो ही एलिमेंट है, रहेगा बेटा कि नहीं रहेगा? ठीक है, इधर देखो, पहले वाले सवाल में बेटा वी एल इजिकल टू कितना, एल डी आई वाई डी टी होता है, और बेटा कैपेसिटर कितना होता है, क्यू इजिकल टू सी वी से ये होता है बेटा क्यू बाई सी, तो क्यू इजिकल टू कितना बेटा, एल सी डी आई वाई डी टी। बेटा मेरे हिसाब से आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, एल गिवन है, सी गिवन है, डी आई वाई डी टी गिवन है, सॉल्व कर लोगे। सेकेंड पार्ट, जब इतना चार्ज है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बी एल इजिकल टू बी सी क्यू बाई सी, चार्ज गिवन है सेकेंड पार्ट में, सी तुम्हें पता है, लाइन वर्क का सवाल है, पता नहीं कितनी माथापच्ची कर रहे थे आप, दिमाग चला रहे थे, कोई बात नहीं बेटा, छाप लो। अगला लिखो बेटा, अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ 20 मिली हेनरी इंडक्टर एंड 0.5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट इज 0.1 एम्पियर फाइंड द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। जल्दी करो बेटा। देखो बेटा, लाइन वर्क है बेटा, परेशान नहीं होना। हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर, ये क्या था, एनर्जी था, इजकल टू हाफ सी वी मैक्स का स्क्वायर, खत्म सवाल। ये पता। अरे लाइन वर्क का है, इसमें कुछ दुखी होने वाली बात है क्या? जल्दी छापो बेटा, लिखो।
लिखो बेटा, इन एलसी सर्किट, इन एलसी सर्किट एल इजिकल टू 0.3, सॉरी एल इजिकल टू 3.3 हेनरी, एल इजिकल टू 3.3 हेनरी एंड कैपेसिटेंस इजिकल टू 840 पिको फेरेट, 840 पिको फेरेट एट टी इजिकल टू जीरो, एट टी इजिकल टू जीरो द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 105 माइक्रोकूलम एंड दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज. फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटी, फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटी एट टी इजकल टू, एट टी इजकल टू 2 मिली सेकेंड. लिखा बेटा, लिखो द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, सेकेंड लिखो बेटा टोटल एनर्जी इन द सर्किट, टोटल एनर्जी इन द सर्किट, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर. देखो बेटा, हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है, हमें क्यू मैक्सिमम की वैल्यू गिवन है. क्लियर है बेटा? आगे बात इधर देखो, मैं लिखता हूं बेटा क्यू इजकल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा इजकल टू 1/√LC. बेटा मैं कैलकुलेशन एक नहीं करूंगा, ओमेगा फाइंड आउट कर लोगे, पुट कर लोगे. इधर देखो बेटा, एट टी इजकल टू जीरो क्यू इजकल टू कितना बेटा क्यू नॉट, तो बेटा इसको अगर हम पुट करें Q0 साइन 0 + 5, तो बेटा फाई की वैल्यू आएगी π/2. ये पहले भी कराया जा चुका है बेटा. Q इजिकल टू कितना बेटा Q0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, बेटा ये आ जाएगा cos ओमेगा टी. क्लियर है? ओमेगा की वैल्यू पता है बेटा, पुट t इजिकल टू 2 मिली सेकेंड, गेट q. क्लियर बेटा? q आ जाएगा. इधर देखो, E टोटल हाफ सी क्यू मैक्स, सॉरी हाफ क्यू मैक्स का स्क्वायर बाय सी, पता है ना बेटा ये तो. यहां से देखो बेटा, E कैपेसिटर एट टी इक्वल टू 0.2, बेटा ये कितना जाएगा देखो इधर से, यहां से क्यू कैलकुलेट कर लोगे हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी. आगे बढ़ बेटा, तो एनर्जी नेटर कितना हो जाएगा बेटा, ई टोटल माइनस ई सी. सॉल्व हो जाएगा बेटा कि नहीं? क्लियर है? पक्की बात बेटा? तो अब बेटा क्वेश्चन कर लेना, ईएमआई खत्म हो गया बेटा आपका. अगली यूनिट बेटा अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, तो आप अगली हेडिंग बेटा लिख लो.